सभी को जय मां बगला मुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो जिस तरह से आज वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से वीरवार के दिन संध्या दर्शन मां बगला मुखी जी के करवाएंगे। मां बगला मुखी जी जो कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का, और 10 महाविद्याओं में मां बगला मुखी जी का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले आप दर्शन करें मां बगला मुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन नरसिंह मंदिर से, जिसे आप सुनैर की मंदिर भी कहते हैं, और यहीं पर मां बगला मुखी जी विराजमान है। तो आप दिव्य दर्शन करें और मां बगला मुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो देखिए कितना खूबसूरत स्वरूप है मां बगला मुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का। यहां माता रानी पीले चोले में विराजमान है, और आपको बता दें कि वीरवार के दिन की एक खास मान्यता रहती है, माता रानी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीला रंग जो कि माता रानी को काफी पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि पीले चोले में मां बगला मुखी जी विराजमान है सांबा के श्री नरसिंह मंदिर सुनैरकी मंदिर में, जो कि बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मां बगला मुखी जी का नाम 10 महाविद्याओं में लिया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगला मुखी जी। तो ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है, और कहते हैं कि भगवान श्री राम भी मां बगला मुखी जी का जाप करते थे। और हिमाचल के बनखंडी के दिव्य दरबार की बात करें, जो कि सबसे बड़ा दरबार है मां बगला मुखी जी का, तो वहां पर जो है कहते हैं कि पांडवों ने एक ही रात में मां बगला मुखी जी का वो दिव्य मंदिर तैयार कर दिया था। आज भी वो मंदिर उसी तरह से स्थापित है जो पांडवों ने बनाया था, और अब तो काफी बड़ा एक ट्रस्ट बन गया है, लेकिन वो मंदिर जहां पर माता रानी विराजमान है हिमाचल के बनखंडी दरबार में, वो मंदिर पांडवों ने एक ही रात में बना दिया था। तो ये आप कह सकते हैं कि मान सकते हैं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगला मुखी जी का। और कहते हैं कि माता बगला मुखी जी, मां पीताम्बरा जी, दुख तकलीफों को हरती है, रोग बीमारियों को दूर करती है और शत्रुओं का विनाश करती है। और आपको मालूम है कि आजकल का जो दौर है, तो यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि किसी की कामयाबी अगर हो रही है तो उस कामयाबी को वो देखना नहीं चाहते, कई ऐसे इस तरह से चीजें जो वो देखने को मिलती हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो माता रानी साक्षात देख रही है, भगवान साक्षात देख रहे हैं उनको, उनका जो कहते हैं ना कि यहीं पर भुगत कर जाना है, वो भगवान आपको देख रहा है। आप अच्छा कार्य करें, आप समाज के लिए अपना अच्छा योगदान करें, भगवान भी आपका साथ देते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बनता है, माता रानी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। तो यही कहूंगा कि अगर आप सच्चे मन से मां बगला मुखी जी को पूजेंगे, विधिवत तरीके से पूजा करेंगे, तो शत्रुओं का विनाश होगा, रोग बीमारियां दूर होंगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे और सुख समृद्धि का एहसास होगा आपके अंदर, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी, जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, यानी नकारात्मकता आपके अंदर से निकलेगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। और इसलिए कहते हैं कि मां बगला मुखी जी जो इतना शक्तिशाली स्वरूप है, माता बगला मुखी जी की आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और यहां कहते हैं कि बनखंडी दरबार में जिस तरह से हवन प्रक्रिया कराई जाती है, दो तरह के हवन किए जाते हैं, मीठा और कड़वा, और उस हवन करवाने से भी आपके ग्रह शांत होते हैं, आपके घरों के अंदर शांति जो वो जरूर आती है, कला क्लेश दूर होते हैं और शुद्धि जो वो आपके घरों में होती है, इसलिए हवन भी जरूर कराना चाहिए। आप यहां मंदिर में भी करा सकते हैं, हिमाचल के बनखंडी दरबार में जब आप जाते हैं वहां पर भी आप हवन करा सकते हैं। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हैं वो आपको पंडित जी पुजारी जी आपको बता देंगे, उस तरह की प्रक्रियाओं को निभाएं और भगवान का माता रानी का जाप जरूर करें। मां बगला मुखी जी का जो विधिवत तरीके से जाप है वो आप जरूर करें, आपकी रोग बीमारियां कष्ट क्लेश दुख तकलीफें दूर होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और नेगेटिविटी दूर होगी। तो इसलिए आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन मां बगला मुखी जी के सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, यानी श्री सुनैरकी मंदिर जो यहां सांबा का इलाका है, यहीं पर माता बगला मुखी जी विराजमान है। तो ये दिव्य स्वरूप जो आप देख रहे हैं मां बगला मुखी जी का, ये हिमाचल के बनखंडी से ही जो है वहां से स्पर्श करवाकर यहां पर माता रानी को साक्षात विराजमान किया गया है।
तो हम भी यही कहेंगे कि माँ बगला मुखी जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। माँ बगला मुखी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी की हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे और समाज में अच्छा करें, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपके ऊपर भगवान का, देवी देवताओं का, माता रानी का आशीर्वाद जरूर बना रहेगा। और ये भी कहूंगा कि जब आप सुबह घरों से निकलते हैं, तमाम सनातनियों से मेरी अपील रहेगी कि आप लोग तिलक लगाकर घर से निकले। कहते हैं कि जब आप तिलक लगाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा रहता है और एक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है। ये चीजें सनातन की साक्षात चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आप फॉलो जरूर करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं आज के इस वक्त में, लेकिन भगवान देख रहे हैं, माता रानी देख रही है आप सभी के ऊपर, माँ बगला मुखी जी का, सभी देवी देवताओं का, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद यही बना रहे, यही हम कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो मंगलवार के दिन हम आपको चीची माता जी के दर्शन कराते हैं, सोमवार को महादेव जी के दर्शन कराते हैं और वीरवार के दिन आज जिस तरह से हम आपको माँ बगला मुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के दर्शन करा रहे हैं, तो आपके ऊपर माँ बगला मुखी जी का, माँ पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी को जय माँ बगला मुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। और हमारी ये कोशिश आगे भी लगातार जारी रहेगी कि आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएं, सनातन के अनुसार जो भी अलग अलग हमारे देवी देवताओं के देव स्थान है वहां पर आपको लेकर जाएं और आपको भगवान के, देवी देवताओं के, माता रानी के दर्शन जरूर कराएं। सभी को जय माँ बगला मुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।